गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 फर्स्ट लेसन चित्र के संग संग वो चित्र पाठ है। तो चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में सड़क पर रिक्शा जा रही है, रिक्शा के आगे एक स्कूटर वाला जा रहा है। सड़क के बाजू में मोची भी अपना सामान लेके बैठा हुआ है। मोची के बाजू में कुत्ता लेटा हुआ है। आगे गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। सब्जी वाली सब्जी बेचने जा रही है। साइकिल वाला टायर में हवा भर रहा है। और पीछे दुकान के बाजू में तोता लकड़ी पे बैठा हुआ है। चित्र के नीचे प्रश्न के उत्तर दीजिए। चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी जो पिक्चर अपने को देख के उसके जवाब देने हैं। तो पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है तो अपन चित्र में देखेंगे। तो चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, तो साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे अपने को हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब्जी वाली सब्जी बेचने जा रही है। और रास्ते में कुत्ता लेटा हुआ है। और मोची अपना सामान लेके बैठा हुआ है। ये सब अपने को क्रियाएं होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? अभी गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इसके लिए वो हवा में उड़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा कम होने के कारण ट्यूब में हवा भरी जाती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेटा है क्योंकि वह आराम कर रहा है। कुछ दिन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो सब्जी बेचने वाली घर घर जाती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है? रिक्शे वाले को दूसरा कोई सवारी मिला नहीं है, इसके लिए एक ही यात्री बैठा हुआ है। दूसरा पिक्चर देखिए, ये दूसरे पिक्चर पहले पिक्चर में दूसरे पिक्चर में क्या हो रहा है? तो पहले पिक्चर में साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा था, लेकिन साइकिल वाला ने साइकिल के टायर में ज़्यादा हवा भर दी और वो टायर फट चुका है। इसके वजह से सब लोग डर गए हैं और इसके लिए इस परिस्थिति का निर्माण हुआ है। देखो कि मोची पहले बैठा था, वो डर के टायर फटने के कारण वो उसका सामान बिखर गया है। कुत्ता सो रहा था, वो भागने लगा है। वहाँ पे रिक्शा और बाइक का एक्सीडेंट हो चुका है। गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे छूट की डंडी छूट गई है, इसके वजह से सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। सब्जी वाले की टोकरी गिर चुकी है, इसके वजह से पूरी सब्जी नीचे गिर गई है। वहाँ पे पीछे तोता लकड़ी पे बैठा हुआ था, वो भी उड़ने लगा है। अभी चित्र के नीचे प्रश्न दिए हुए, उसका उत्तर अपने को लिखना है। के चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने से क्या क्या परिस्थिति का निर्माण हुआ है? तो टायर में साइकिल वाला ने ज़्यादा हवा भर दी, इसके लिए वो टायर फट चुका है और वो आदमी नीचे गिर गया है। सब्जी बेचने वाले के सिर से टोकरी गिर गई और उसकी सारी सब्जी जमीन पे बिखर गई है। डंडे पे बैठा हुआ तोता भी उड़ गया है। गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे छूटकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान भी उधर उधर बिखर चुका है। और रिक्शा और स्कूटर का अकस्मात हो गया है और कुत्ता भागने लगा है। दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। कि टायर के अलावा दूसरी कौन सी चीजें जो फटती है? तो टायर के अलावा फुटबॉल, गुब्बारे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि चीज़ें फट सकती है।
रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया कि रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराएगा, तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए बाइक वाला रिक्शे वाले से टकराया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, यानी टायर फटने से किन किन चीज़ों पे प्रभाव नहीं पड़ा, तो टायर फटने से एक तो मकानों पे फर्क नहीं पड़ा है, मकान कार वाले के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं है। मोची क्यों रास्ते पर आ गया, मोची टायर की आवाज़ सुनकर डर गया और उसके लिए उस आवाज सुन के डर गया, इसके लिए उसका सामान इधर उधर बिखर गया। उसके आगे स्वाध्याय के प्रश्न, एक चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लीजिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए, जो रबर से बनी हुई चीजें के नाम लिखना है तो टायर ट्यूब यदि बहुत सारी चीजें जो रबर से बनी है वो लोग के नाम आपको लिखना है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, कि टायर जब फटा नहीं था उसके पहले क्या हो रहा था, तो टायर फटने से पहले सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। टायर क्यों फटा, तो टायर में साइकिल के जो टायर है उसमें जरूरत से ज़्यादा हवा भरी, इसके वजह से टायर फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, कि टायर फटने के बाद सभी लोग टायर का फटने का आवाज़ सुनकर सब लोग डर गए थे, इसके लिए इधर उधर भागने लगे थे। निम्नलिखित परिचित को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए, यानी कि वो सुलेखन यानी कि अच्छी राइटिंग से अपनी नोटबुक में लिखना है पढ़ने के बाद। तो सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा, सूर्यास्त होने से पहले यानी सूर्य डूबने से पहले ही वो गुरुजी के घर पे चला जाता है। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया, गुरुजी के चरण यानी कि पैर छू के वो प्रणाम करता है। उसके साथियों जो को जब पता चला कि वो फिर आ गया है, तब वह तरह तरह की बातें बनाने लगा, कि उसके जो साथियों यानी कि दोस्त मित्र को पता चलता है कि वो वापस आ गया है, तब वह अलग अलग तरह तरह की बातें करने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज तुम घर नहीं गए क्यों? अभी गुरुजी वरद उसको देखकर बोलते, वरदराज बेटा तुम घर नहीं गए? वह नम्रता से बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया, कि गुरुजी मैं गया था जा रहा था लेकिन मैं आधे रास्ते से वापस लौट के आ गया, अब मेरी आंखें खुल गई कि अब मेरी आंखें खुल गई है, मैंने निश्चय किया कि मेरी पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा, कि अब मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और मेहनत से पढ़ूंगा, आज से आपको कभी भी कहने का अवसर नहीं दूंगा और आज से आपको पढ़ने और पढ़ाई करने में कोई भी अवसर को नहीं दूंगा, यानी मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूंगा, आप जो सिखाएंगे वो अच्छे से करूंगा, यानी हमें भी बच्चों अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, शिकायत का मौका देना चाहिए नहीं। चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढ के बताना है, यानी तुम लोग को जो ये दो पिक्चर दिखाई दे रहे दोनों पिक्चर ऐसे तो एक समान ही है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों में से अलग चित्र में कोई कोई चीज ऐसी है कि उसमें फर्क है, तो अपने को वही ढूंढ के बताने के वो दोनों में क्या अंतर है, तो आपको मैं एक बता देता हूँ उसके बाद आप ढूंढना है। तो दोनों में देखो जो सूरज है अपने को दिखाई दे रहा है, तो एक सूरज में लाइन एक समान छोटी छोटी है और एक सूरज में क्या एक छोटी और एक बड़ी है, उसी तरह आपको सभी अंतर बताने का है। तो सभी को ये लेसन समझ में आया होगा, तो सभी को ये लेसन पढ़ना है अच्छे से और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखना है।